नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, गोपालगंज जिले से एक अनोखी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि गोपालगंज में बदमाशों का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि गोपालगंज पुलिस ने एक अनोखा फैसला लिया है। गोपालगंज पुलिस ने यह फैसला लिया है कि कई एटीएम को बंद कर दिया जाएगा, और ये सारे एटीएम इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि बदमाशों के खौफ से पुलिस खौफ ज़्यादा है, कहीं यह भी एटीएम लूट ना लिए जाए। अब पूरा मामला क्या है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। गोपालगंज में चोरी की बढ़ती वारदातों को रोकने की जगह पुलिस ने एटीएम मशीन ही बंद कर दिए हैं। हाल के दिनों में गैस कटर से काटकर एटीएम से कैश चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद पुलिस ने ग्रामीण इलाके के 17 एटीएम को ही अब बंद कर दिया। इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्र के एटीएम को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी है। इसे लेकर एलडीएम के साथ बैठक की जाएगी। एक ओर जहां केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया कैंपेन को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, डिजिटल पेमेंट पर जोर दिया जा रहा है, गांव-गांव तक एटीएम मशीन भी लगाए जा रहे हैं, वहीं गोपालगंज जिले के कई गांव में लगे 17 एटीएम मशीन बंद होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें रुपए निकालने के लिए शहर आना होगा। इस मामले में सदर एसडीपीओ संजीव कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, आप देखिए। 3-4 महीनों में एटीएम जहां असुरक्षित थे, रात्रि में अज्ञात चोर आते थे, एटीएम को काट कर पैसा निकाल लेते थे। अभी हाल फिलहाल में हरदिया चौक है बैकुंठपुर में, वहां भी एटीएम लगा था टाटा इंडिकास का। एक ही घर कमरे में 2 एटीएम थे, दोनों को चोरों के द्वारा काटकर लगभग 7 लाख रुपए की चोरी की। उसके बाद मेरे द्वारा जो उसके बिहार के हेड हैं, बिहार हेड हैं, उनसे, प्रकाश नाम है उनका, उनसे बातचीत करके असुरक्षित जगह पर लगाने का औचित्य पूछा और किसके परमिशन से इन असुरक्षित जगहों पर लगाया गया। उन्होंने कहा कि मैं जांच कर बताता हूँ। तत्पश्चात उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टाटा इंडिकास का संचालित 17 एटीएम तत्काल बंद कर दिया गया है। जब तक उन सभी एटीएम को सुरक्षित जगहों पर नहीं लाया जाएगा, तब तक वो चालू नहीं होंगे। फिर उसके बाद जो सरकारी बैंक हैं या जो प्राइवेट बैंक हैं, उनका जो एटीएम है, उस संदर्भ में मैंने एलडीएम जो है, एलडीएम विकास जी को बताया है कि उन्होंने भी कहा है कि मैं बहुत जल्द इस पर सभी बैंक के मैनेजर के साथ एक बैठक करके और जो असुरक्षित एटीएम हैं उनको सुरक्षित जगह पर, जैसे स्टेशन पर, थाना के पास और भीड़ भाड़ जहाँ 24 घंटे चौकीदार और थाना की पुलिस रहती है, उन जगहों पे एटीएम को लगाने का विचार करके तुरंत लगाऊंगा। तो मेरे मतलब इस तरह से एटीएम की जो चोरी होती है पैसे की रात में काट के, हमको लगता है इस सबसे उस पर अंकुश लगेगा। तो आपने देखा कि संजीव कुमार ने बताया कि लगातार चोर एटीएम कार्ड चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के 17 सरकारी एटीएम बंद करा दिए गए हैं। साथ ही शहरी क्षेत्रों में लगे सरकारी बैंक के एटीएम को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए एलडीएम के साथ बैठक कर शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों गोपालगंज में थावे थाना क्षेत्र के बिलासपुर में एसबीआई का एटीएम कार्ड लाखों रुपए की चोरी कर ली गई थी। वहीं बैकुंठपुर थाना के हरदिया में टाटा इंडिकेस के 2 एटीएम कार्ड भी लाखों रुपए की चोरी कर ली गई थी। थावे बस स्टैंड के पास एसबीआई के एटीएम को काट रहे चोर को लोगों ने जब देखा तो वो गैस कटर छोड़कर अब फरार हो गए। इसके बाद गोपालगंज पुलिस ने गजब का फैसला लिया। गोपालगंज पुलिस ने यह फैसला लिया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के 17 एटीएम हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो चोर हैं वो चोरी ना कर पाए, जो डकैत है वो डकैती ना कर पाए। इसके लिए गोपालगंज पुलिस ने यह फैसला लिया है, और कहीं ना कहीं इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें पैसा निकालने के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ेगा, तब जाकर वो पैसा निकाल सकेंगे। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।